कंप्यूटर का लेसन 3 मोर अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में अधिक जानकारी, ये है लेसन का नाम। और आज पार्ट 1 बना रहे हैं जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, इतना चीज़ों का सलूशन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पीपल हु परचेजेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, जो लोग प्रोडक्ट सामान को ख़रीदते हैं और सर्विसों को ख़रीदते हैं इंटरनेट के थ्रू, उन्हें क्या कहते हैं, बायर कहते हैं, सेलर कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ख़रीदने वाले को बायर्स बोलते हैं, और जो सामान या प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशन या गेम को सेल करते हैं उनको सेलर बोलते हैं, और जो लोग इस गेम्स को या एप्लीकेशन को या उस सामान को बनाते हैं उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए ब्लॉग इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग होता है बी लॉग, और इस ये टर्म डिराइव्ड हुआ है वेब लॉग से। विच ऑफ दीज इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन सी इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, तो ये बात सभी जानते हैं कि फेसबुक एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है। विच कार्ड कैन बी यूज एट द रिटेलर्स वाइल शॉपिंग, जब शॉपिंग की जाती है तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं तो कौन सा कार्ड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है, और वीज़ा कार्ड एक पॉपुलर स्मार्ट कार्ड है, और जितने भी क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं सब स्मार्ट कार्ड ही होते हैं, तो इसी स्मार्ट कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग करते वक्त जब ई पेमेंट किया जाता है तो इसी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इन कार्डों को स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सब। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेट इज़ लाइक अ बिग डॉट डॉट, इंटरनेट क्या है, एक बड़ी किसके तरीके है, तो एक इंटरनेट एक बड़े मार्केट के तरीके है जहाँ पर सामान को सेल किया जा सकता है, बाई किया जा सकता है। इंटरनेट शॉपिंग इज़ सेम एज बाइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डॉट डॉट, इंटरनेट शॉपिंग को क्या बोलते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स को बाई किया जाता है, तो इसे ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। मैनी कंपनीज हैव क्रिएटेड देयर वेबसाइट्स विच आर कॉल्ड, बहुत सारी कंपनियां अपनी अपनी वेबसाइट बनाई रहती हैं सामान को सेल करने के लिए और परचेज़ करने के लिए, तो इन वेबसाइटों को बोलते हैं ई कॉमर्स साइट या ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड एज द मोड ऑफ पेमेंट फॉर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन डॉट डॉट नंबर इज़ रिक्वायर्ड, जब क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया जाता है, जब हम ई ट्रांजैक्शन करते हैं कोई सामान खरीदते हैं अपने कार्ड के थ्रू, तो वहां पर हमारे कार्ड में एक CVV नंबर होता है जिसे बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, तो वो नंबर ज़रूरी रहता है वहां पर बताने के लिए ताकि हमारा कार्ड सिक्योर रहे और पेमेंट सिक्योर रहे हमारा, तो इसे बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन नंबर या CVV नंबर। ट्रू फॉल्स में है नंबर 1 क्वेश्चन, फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, सभी जानते हैं इस बात को। ई कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट इंटरनेट, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट की को हम ख़रीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है ई कॉमर्स के लिए, बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स का यूज़ नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट आर द की फैक्टर्स इन ई कॉमर्स, सिक्योरिटी और ट्रस्ट ये की फैक्टर्स होते हैं ई कॉमर्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्योरिटी इसलिए और ट्रस्ट ज़रूरी है कि जैसे हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अगर वो सिक्योर नहीं होगी वेबसाइट तो हमारा कार्ड हैक हो सकता है, हमारा पिन चोरी हो सकता है, पासवर्ड चोरी हो सकता है, जिससे फिर बाद में जो है धोखाधड़ी का केस हो सकता है कि हमारे कार्ड से कोई और शॉपिंग कर ले या हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कोई और निकाल ले, तो इसलिए जिस भी वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करना चाहिए या जो है ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं या जो है कोई सामान ख़रीद रहे हैं, तो वो वेबसाइट जो है ट्रस्टेड वेबसाइट होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो कुछ वेबसाइट्स जैसे amazon.com, flipkart.com ये सब क्या है, ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जहाँ पर शॉपिंग करना बिल्कुल सेफ़ है, वहाँ पर
पिन नंबर या हमारा कार्ड नंबर चोरी होने का ख़तरा नहीं रहता है। तो सिक्योरिटी और ट्रस्ट बहुत ही मेन फैक्टर्स होते हैं ई कॉमर्स के लिए। ए पॉपुलर स्मार्ट कार्ड वर्जन इज़ वीज़ा स्मार्ट कार्ड। एक स्मार्ट कार्ड का पॉपुलर वर्जन वीज़ा स्मार्ट कार्ड होता है, ये बिल्कुल बात सही है। वी कैन नॉट विजिट एंड एक्सेस टू न्यूज़पेपर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कह रहा है कि वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते हैं विजिट एंड एक्सेस, हम देख नहीं सकते हैं और एक्सेस नहीं कर सकते हैं न्यूज़पेपर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार का न्यूज़पेपर हम नहीं देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू। तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ घर बैठे आराम से अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो हम आराम से इंटरनेट के थ्रू हर जगह की न्यूज़पेपर देख सकते हैं। तो ये बात कह रहा है कि नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये बात फॉल्स है। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। तो इसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है प्रोड्यूसर, सेलर्स, बायर्स, न्यूज़ ग्रुप और फेसबुक, इसको सामने मैच कराना है। तो हमने बताया मैचिंग में हमेशा राइट साइड से ही करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था राइट साइड में ए वाला सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, लेफ्ट साइड में हम सर्च करते हैं प्रोड्यूसर, सेलर या बायर, ये तो सोशल नेटवर्क है नहीं। न्यूज़ ग्रुप और फेसबुक में से हो सकता है। तो न्यूज़ ग्रुप तो जो है न्यूज़ से मतलब है इसको कि सिर्फ हम न्यूज़ यहाँ सुन सकते हैं, लेकिन फेसबुक एक पॉपुलर वेबसाइट होती है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, इसलिए फेसबुक को कनेक्ट कर दिया गया ए के साथ। दूसरा है www.easynews.com। तो easynews.com ये तो नाम से भी पता चल रहा है और वैसे भी ये एक वेबसाइट होती है जहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। तो इधर अब जो हम आएंगे देखेंगे तो फेसबुक तो पहले ही हो चुका है, अब बचा है प्रोड्यूसर, सेलर, बायर एंड न्यूज़ ग्रुप। तो न्यूज़ ग्रुप ही तुम्हारा सही आंसर है easynews.com वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए। तीसरा है हु प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हु जो अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, अलग अलग प्रोडक्ट को, उसकी स्पेलिंग कुछ हु प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस से प्रोड्यूसर हो गया आंसर इसका। तीसरा चौथा क्वेश्चन है हु सेल्स द गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स और सर्विस को सेल करता है, तो सेल से सेलर हो गया इसका आंसर। और लास्ट वाला हु परचेजेस आइटम एंड सर्विस, जो सामान को ख़रीदता है उसको क्या बोलते हैं, ख़रीदने वाले को बायर बोलते हैं, बायर्स बोलते हैं। तो सारे कनेक्ट कर दिए गए हैं, बहुत ही ईजी है, आराम से लर्न किया जा सकता है। और इस चैनल को फॉलो करते रहिए और आगे की वीडियोस को देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, घर बैठे सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। गुड लक।